नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे Realme की तरफ से आने वाला काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन Realme C21Y स्मार्टफोन के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिना स्किप करके देखिएगा। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर आप अगर इस स्मार्टफोन को एज ए कैमरा डिवाइस की तरह यूज करना चाहते हैं, या फिर आप इस स्मार्टफोन को मल्टीपर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Realme की तरफ से आने वाला C21Y स्मार्टफोन को डिस्प्ले को लेकर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का HD डिस्प्ले, नॉट फुल HD डिस्प्ले। यहाँ पे आपको कोई फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसी स्मार्टफोन को रैम को लेकर। यहाँ पे आपको 3GB का रैम और 32GB का स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर। यहाँ पे आपको ना MediaTek का ना Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो यहाँ पे आप इन्हीं दोनों ब्रांड का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको Unisoc की तरफ से T610 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 1.8 GHz पे बेस्ड है, एक न्यू ब्रांड है। और इसका प्रोसेसर जो है अभी आपको रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो अगर मैक्रोमैक्स की तरफ से इन के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, वही वाला प्रोसेसर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर आप बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा को लेकर, यहाँ पे आपको 13 MP +2 MP और +2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है रियर में, और फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कैमरा का बात करें तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक कैमरा देखने को मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप इस स्मार्टफोन के कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर फोटो वगैरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ओवरऑल मुझे पर्सनली इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो काफी ज्यादा पसंद आया। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी को लेकर। यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अधिक है। साथ साथ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्लियर, फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप डुअल सिम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 ईयर का वारंटी भी देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन का प्राइस जो है वो 8999 रुपीज है, लेकिन ऑफर में आपको देखने को मिल जा रहा है 8500 रुपीज में। स्मार्टफोन अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप जाकर इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सिप्पू जहाँ पे पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल ऑप्शन भी जरूर क्लिक कर दें। साथ साथ अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज sippujha.it99 पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ साथ अगर आप ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका यूजर है sippujha.it99, तो वहां पे भी जाके जरूर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्मार्टफोन ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको बता दूं, इस प्राइस रेंज के अंदर में आपको इससे भी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है और आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर।